कानपुर के विक्रू गांव में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों के मामले में अब राजनीतिक शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी लगातार सरकार के ऊपर सवालों का बौछार कर रही है। ऐसे में जनपद बहराइच में समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने सरकार की कार्यशैली को लेकर विरोध प्रदर्शन जताया था। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जो पुलिसकर्मी कानपुर में शहीद हुए हैं उन्हें हर हालत में न्याय मिलना चाहिए। पुलिसकर्मियों का हत्यारा अभी तक फरार है और पुलिस के साथ एसटीएफ की टीम उसे तलाश कर रही है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि अभी तक इस हत्यारे तक पुलिस पहुंच नहीं सके। इन सभी मामलों को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर होता चला जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर बहराइच में भी विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया था। इस मामले में पूर्व विधायक रामतेज यादव का कहना है कि सरकार को चाहिए कि हर हालत में किसी भी तरह कुख्यात अपराधी विकास की गिरफ्तारी हो, ताकि जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिल सके। उनका बंधन करते हैं कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में हमारी पुलिस, हमारा दरोगा, हमारा सिपाही जान जोखिम में डाल करके उसने जो है जनपद बहराइच के लोगों को वो न्याय दिया है। किसी को जात न देखा न पांत देखा। और मैं चाहता हूँ कि आज ये कार्यक्रम है, कल से हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग सभी अधिकारियों को जनपद बहराइच में फूल माला पहनाएंगे, फूल वर्षा करेंगे और उनको जा करके हाथ जोड़ करके उनसे उनका नमन करेंगे कि आप सभी लोगों ने बड़ी ताकत के साथ खड़े होकर के हमारे जिले के गरीब कमजोर सबको न्याय दिया है, जान बचाई है अपनी जान जोखिम में। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 इंडिया।